वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग यार? आज का व्लॉग देखो, अभी मैं पोस्ट करूंगा बाद में, जैसे कि अभी मैंने रेडी कर दिया व्लॉग को, ठीक है? तो आज का कुछ सीन ऐसा है वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप लोग पूरी वीडियो देखो, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये भी बता चलूँ आज मेरे साथ ऐसा होगा, बस इतना बताऊँगा, फिर बाकी आप वीडियो में देखोगे, ठीक है? तो निकलते हैं, मैं रेडी हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लीजिए थोड़ी सी, ठीक है? तो अभी निकलते हैं घर से। पब्लिक, जैसा कि अभी हम दोनों रेडी हो चुके हैं, सही है भाई ने तो पहले वीडियो स्टार्ट कर लिया हमें छोड़ के, लेकिन भाई मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। मैंने भाई को बोला मोबाइल मुझे दे दो, मैं भी तो दिखाऊँ मैं कैसा लग रहा हूँ। हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम निकलते हैं, सही है, आगे की अपडेट बताएंगे आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं। ओ, जैसे गाइस मैं पहुँच चुका हूँ तहा भाई के यहाँ पर, जैसे कि हमारे साथ निकलेंगे यहाँ से दोस्त, ठीक है? तो अभी इनके पार्किंग में खड़ा हुआ, इनका वेट कर रहा हूँ, अभी आएंगे उसके बाद यहाँ से निकलेंगे हम, तो पहुँच के अपडेट करते हैं आपको। देखते हैं ऐसा सामने खड़ा हुआ मोबाइल चला रहा है भाई, ऐसा मोबाइल में क्या करें यार, क्या करें क्या करें। इनका घंटों से वेट कर रहे थे, ये नवाब साहब आ गए हैं, बड़ी जल्दी आ गए ये भाई, ये डर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है गाड़ी में भाई। जैसा कि ताहा भाई की बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, तो ताहा भाई पेट्रोल डलवा रहे हैं, फिर हम अरबाज भाई के घर पे जाएंगे, यहाँ से अरबाज भाई हमें पिक करेंगे, फिर वो कहीं लेके जाएंगे, तो आगे की अपडेट आपको आगे बताएंगे। गाइस जैसे कि देखें गाड़ी भी आ चुकी है दूल्हे की, क्योंकि हम ना अपने एक रूम की साइड से तो इसलिए, और हम अभी दूल्हे भाई सबके घर पे आए, जो कि अभी रेडी हो रहे हैं, समझ लो रेडी होंगे वो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। और जैसे गाइस हम यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे बैठे मच्छर मार रहे, मक्खी मार रहे हैं, यहाँ पर शक्लें देख रहे हैं। तो जैसा कि आधा घंटे से ऊपर हो गया हम यहाँ बैठे हैं, साहब भाई कुछ ज़्यादा ही जल्दी हमें ले आए, सामने बैठे हुए दिखा देता भाई को भी, ये जो मासूम बन के बैठे हुए हैं इनकी वजह से हम जल्दी आए, और साथ में ये भी है महारानी। ये हमारा काम चल रहा है और यहाँ पे ऐसे इनका सेट करने का, इनको इनको क्या मानना नहीं आता भाई, जैसा कि डिले करने में मसरूफ है। हाँ भाई ये दिखाते आपको बैग तो आज बारात क्या है यार, बारात ही है, सही है? तो आपको बताते चले, अभी हम सबसे ज्यादा गरीब है, घर में थोड़ा इवेंट कर रहे हैं, ये कुछ बोल रहे हैं जी। नहीं यार बहुत पैसे, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, ऐसा है मेरे पास, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं आज। हाँ एकदम काम खर्चा करा है, खर्चा कर कितना खर्चा किया, पूरे 500 रुपए खर्चा करा बस यार, लग रहा है 400 रुपए रह रहा है ना, 100 रुपए कवर हूं, बहुत प्यारे लग रहे हैं यार 500 रुपए में, बहुत फोकस रहता है। मेरे दोस्त को नया दौरा पड़ा है, वो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम मेरे यार, ये मैं अगर इनका ये देखें आगे मैं कहता हूँ तीसरे पे चौथे पे आगे आएगा, तीसरे पे सर पे चौथे पे घर पे, वो भी ऐसे नहीं, आपने कुछ बोलना है, ये कुछ बोलना चाह रही, कैमरे के देखे शर्मा रही है। गाइस जैसे कि हम निकल चुके हैं इनके घर से, माशाल्लाह फारिग हो चुके हैं बहुत जल्दी, सही है? और हम अभी अपने समझ लो गाड़ी की तरफ जाएगी, हमने अपनी बाइक ही तो खड़ी कर दी है यार, ठीक है? और ये भाई यहाँ पर रास्ता बंद चुका है, इसलिए लोग परेशान हैं यहाँ पर कि रास्ता बंद कर दिया, तो जब ये हॉर्न बजा रहे हैं यहाँ पर टेलर वगैरह भी, वैसे जगह कौन से, ये अपना वो है ना अपना दस्तगीर है ये, जिसमें हमने सोचा है कि हम इस पल पर बैठ जाएंगे, ठीक है? हमने जो तय किया है इसमें बैठने के लिए, हमने तय कर लिया हमने, तो अब इसमें बैठेंगे, देखते इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, कितनी जगह है, हर जगह तो बहुत होगी यार, इतने ज़्यादा अफराद है नहीं, इसलिए बस ये अस्सलाम वालेकुम करते रहेंगे। हम पहुंच चुके हैं हॉल की जगह, तो हॉल व्यू करवा दें, चलो दिखा देते हैं आप। ढोल बजाने वाले ने ढोल बंद कर दिया है, थोड़ा सा सुकून मिल गया है, बाकी उनके लिए खुशियाँ हैं, हमारे लिए भी खुशी है, आप तो फोड़ने के लिए आए हैं, बाकी ये देख लें ये पार्टनर है, सही है, मैंने छुट्टी लिया भी फोड़ने के लिए,
जिम छोड़ा हो यार, डाइट वाइट में चल रहे, पेट अंदर हो गया थोड़ा, पेट में निकाले क्या कहते हो ना भाई? हाँ इनका पेट अंदर हो गया, मेरा तो नहीं है पेट। बीमारी आ गई है और हर जगह जा रहे हैं, बोल ले अस्सलाम वालेकुम, कैसे कर रहे हैं है? करके दिखा, फिर से करें अस्सलाम वालेकुम गाइस क्या कुछ भी तो हमें पीछे से हटा दिया, क्या इज्जत नहीं है, कह रहे कोई बात नहीं, बेइज्जती वैसे होते रहती है कभी, आज कैमरे के सामने हो गई है, कल न्यूज़ के सामने हो जाएगी, कोई नहीं होते रहती है ऐसी चीज़ें। बाकी लोकेशन सही है, चलेगा यार, मुझसे ज़्यादा तो बैंक भी प्यारा लग रहा है ये। कितना खर्चा हुआ है इसमें? कुछ नहीं कह सकते अभी, हम पे कितना खर्चा हुआ है, आप पे कितना? मुझ पे तो 50 रुपये का खर्चा हुआ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 10 वाली हुआ थी ना, फिर हैंडसम वो लगा लिया बस, देखो फिर भी खुला यार भाई, ऑक्टर रेडी कर रहा हूँ मैं अभी, आगे वाले भाई हैं, घर में भी करता है ना ये, शेयर करता है ना ये, देखे मैन सच बोलती है हमेशा भाई के बारे में। अगली लोकेशन बड़ी बहुत अच्छी है यार, सामने मेरे तो दिल कर रहा है, मेरा दिल कर रहा है यार सामने जाके नहा लूँ, लेकिन वो थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। कहा भाई साइड में आओ, लोगों के सामने बोल नहीं सकता, इधर आओ। ओ तो ये ना, ये बड़े हरामी हैं, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। माशाल्लाह से लोकेशन बहुत टाइट है और ऑसम है, तो आप लोगों को कैसा लगा लोकेशन बताएं यार। मैंने यहाँ पे लग गया, देखा निशान आ गया है, बाकी येल्लो हो रहा है, सब कुछ येल्लो हो रहा है, लोग खाने पीने में लगे हुए। तुम्हारे भाई का शर्ट चेक करूँ, ऐसा वर्ल्ड व्यू, हमारे भाई ने VIP करके बनवाया है शर्ट ऑर्डर कर रहे, लेकिन अंकल इनकी बात नहीं सुन रहे, आखिर क्या वजह, बच्चे क्यों अंकल को बुला रहे, इनसे पूछते हैं बेटा आप अंकल को क्यों बुला रहे हो भाई? ये देखे एक बंदे ने सूप दिया था इनके भाई ने और ये लेके जा रही है, खैर दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, अल्लाह माफ करे, मतलब हमारी तो कोई कदर ही नहीं है। बच्ची पूछ रही है आपका YouTube चैनल है, मेरे शर्ट में लिखा हुआ है, फिर भी ऐसी बात है यार, पूछ रहे हैं लोग, अल्लाह तुम्हारे देवा उठा ले, मुझे उठा ले, क्या करे अब, दुनिया का कुछ नहीं हो सकता, बच्चे ने सही बात की है। क्या लिखा हुआ है आप बताओ, पूरी पढ़ो, नाम क्या लिखा हुआ है, पूरी पूरा पूरा पूरी, कौन सी क्लास में हो? बच्चे शर्मा रहे हैं, लग रहे हैं बच्चे टिकटॉकर हैं, बच्चे सस्ते टिकटॉकर लग रहे हैं मेरे को, टिकटॉकर तो नहीं हो, ऐसे तो नहीं कर रहे हो, मेरी जान ऐसी वीडियो तो नहीं बनाते हो, लग रहे हैं मुझे। अच्छा आप टिकटॉक बनाते हो, कितने फॉलोवर्स हैं? किन ने छोड़ा है, बनाते क्या है टिकटॉक में, क्या बनाते हो टिक, कौन से सॉन्ग में बनाते हो, सैड सॉन्ग में बनाते हो, फनी बनाते हो,
हैं भाई, ज़रा हम भी तो अपने टिकटॉक देखें यार, हमारे कितने फॉलोवर्स हैं यार, बच्चे यार बोल रहे हैं। मैंने सोचा अभी अकाउंट डायरी ही खोल के दिखा दें। उल्ला हमारे तो बहुत ज़्यादा ही फॉलोवर है यार। हुई 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 व्हाट द हेल, इतने फॉलोवर हमारे। ताबाई नियाज बांट रहे हो, हमें भी दे दो भाई। भाई एक एक बच्चों ने दो दो लिया है, देख रहे हो आप, वो एक पड़ा हुआ है, अगर एक लिया तो ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसे ही दो दो लेके बैठे हैं बच्चे। बाकी मैंने तो दो लिया, वो पार्टनर है, दोस्त है ना, दो ही देगा, एक मेरी जीएफ के लिए एक मेरे लिए, देख ले कितनी कदर करता है मेरा दोस्त मेरा। इनाम भाई बहुत मेहनत में लगे हुए। अब इनाम की बीवी ये बात सुन लो, जो भी है जो भी इनाम की जो बीवी है वो ये बात सुन ले, अगर इनाम के बच्चे भी फोटोग्राफर हुए इनाम जैसे तो हम बुलाएंगे, फिर उसके बच्चों से अपने बच्चों की तस्वीरें भी खिंचवाएंगे इंशाल्लाह। पैसे होंगे, पैसा ही पैसा। हाय हाय, इनाम भाई मेहनत करने में लगे हुए हैं और ता भाई एजेंट बने हुए, सबको भगाया कर अस्सलाम वालेकुम। वो देखिए अभी भी इनके अंदर का तो चिरान है ना, इतना बड़ा ये, इतना बड़ा चिरान ये ऐसे से उछल रहा है, तो बार बार ये कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, तीसरे में तुम चौथे में घूम। शादी कब होगी यार, हम देख देख के यार बस तंग आ गए, अब हुआ करते हमारी भी जल्दी हो ही जाए। बच्चे शर्मा आ गए, शर्म से पीछे छुप गए। यामिन भाई की हम नहीं लेंगे भाई, उनकी बीवी उनके लिए वो ज्यादा अच्छा है। उधर बोर्ड फॉर्म के चली हुई है भाई, आप ये कैमरे में आप ये सब नहीं बताओ, क्योंकि देखो लड़कियां देखती है ना, खामा बिली बेचारे के ऊपर कोई वो नहीं करते, वो उसको क्या बोलते हैं, FIR होता है क्या बोलते हैं भाई। बात सुना, जैसे कि बात ये है, आयशा को हम दिखाने जा रहे हैं। आयशा देखें इंस्टाग्राम के अंदर ना वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर पोस्ट करती है, लेकिन सिर्फ स्नैक के अंदर। आयशा से राय लूँगा मैं, क्या आयशा अब स्नैक के अंदर फेमस है या कहीं और भी फेमस है? आयशा बताएगी आगे। आयशा मैं पहले म्यूजिकली में थी, फिर टिकटॉक में हुई, पर मैंने फिर अपना प्राइवेट अकाउंट कर लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पब्लिक हो जाऊँ। तो घर से परमिशन है कि टिकटॉक पोस्ट करो या कुछ भी करो? हाँ क्यों नहीं है परमिशन, मेरे अंदर बहुत सारा टैलेंट है, मुझे फेस आर्ट भी आता है करना। तो इनकी कोई नहीं BF, नहीं इनके कोई BF इनसे जानते हैं आज? नहीं मैं सिंगल हूँ भाई। देखें ये बहुत अच्छी बात है, सिंगल है, अगर ये इनके चक्करों में होते हैं BF वगैरह में तो पता है क्या होता, पहली बात ये वो इसको पिक्चर पोस्ट करने नहीं देता, सही है। दूसरी बात इसके ऊपर रोक टोक लगाते, तो इधर नहीं आना उधर नहीं आना इसके नहीं आना। हाँ मैं जो चाहिए मेरे से मांगो, मैं खुद घर के पैसों में जी रहा हूँ, तुम्हें भी उनमें से कुछ दे दूंगा, ऐसे ही ना ऐसा? बिल्कुल ऐसी है, बाप बन जाते हैं फौरन। भाई देखें आजकल का माहौल वो नहीं है, आप खुल के जिए जितना जी सकते, ज़िंदगी का पता नहीं है ना इसलिए। और हम आयशा को ये भी कहेंगे कि आयशा आप कभी हमारे पास आएँ, हमें ट्रीट दें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हमें ट्रीट देती हैं, जैसा कि और जो वीडियो देख रही है उसे भी समझ आ गया होगा कौन कौन है। आयशा आप ट्रीट दे सकती है? भाई आयशा मेकअप के बिना भी प्यारी है, आप लोग सोच रहे होंगे हो सकता है मेकअप लगा के लड़की ऐसी हरकतें कर रही है, नहीं अगर आपको यकीन नहीं हो इसकी ID दे दूंगा, लेकिन मैं फेक ID बना के दूंगा, अगर आप चाहते हैं मैं रियल ID दूं, आप 200 रुपये खाली जैश कैश कर दिएगा। आयशा सही है, दोनों 100 कर लेंगे। नहीं तुम्हें तो ज़्यादा सब्सक्राइबर मांगने चाहिए ना, उससे ज़्यादा हमारे। चलो अब आयशा ने कह दिया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और आयशा से आप पूछेंगे
कि आयशा हमारा व्लॉग देखना पसंद करेंगी या नहीं, इन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया भी है या एम ही चवले मार रही है, पूछता हूँ मैं ज़रा। मैंने नहीं किया। अच्छा ये बता दें, आने वाले जनरेशन चैनल को सब्सक्राइब, मुझे क्या लगता है ये सब्सक्राइब करेंगे चैनल को या नहीं करेंगे? मेरा चेहरा आगे तो लाजमी होना चाहिए। देख ले, अब ये चैलेंज हो गया आयशा के लिए भी, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, मतलब व्यूज़ इसमें ज़्यादा आनी चाहिए, सही है ना? आयशा एक बार अपने मुँह से कह दो पोए ऑयल का डायलॉग जो आपके भाई कब से कर रहे हैं। मुझे नहीं आता। तो तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोए ऑयल ऐसे, तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोए ऑयल, इन्होंने भी कर दिया, अब तीसरे में तुम, चौथे में तुम पोए ऑयल। अब देखें, आपको व्लॉग में एंटरटेनमेंट चाहिए, देख कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा भाई शुगर ही थोड़ा लगा देते हैं, सही है, जिम विम जा रहे नहीं हवा भर के, लेकिन देखे बॉडी बिल्कुल टायर्ड है अभी भी, अभी भी चल जाएगा। बाकी ताहा भाई के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं हम, अगर आपको भाई इंगेज्ड है वो कुछ कह नहीं है, ताहा भाई मेरे इंगेज्ड है। नहीं देखिए देखिए, दो शादी भी फर्ज है यार बंदे के ऊपर, एक ढूंढना है यार बेचारे के लिए, देखिए एक कमिटमेंट हुआ है हमारा पहले से ना। अगर आप लोग इधर कहीं लड़की आगे पीछे पसंद आ रही है, आप लोग मुझे ना उसको स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं, सही है, मैं हल्के बात कर रहा हूँ, असल में आगे पीछे कोई सुन नहीं ले रहा, और इसके लिए आयशा राजी नहीं है, लेकिन आयशा राजी हो सकती है अगर आयशा से प्यारी हो वो लड़की। आयशा ऐसी है? नहीं, मेरे पास भाभी है। मुझे लग रहा है भाभी से भाई कोई लेना देना है, इसलिए भाई दूसरी भाभी होशियार रहे, ताहा भाई को ऊपर लाइन नहीं मारी। अस्सलाम वालेकुम वाले, कोई लड़की वड़की ढूंढो, स्क्रीन शॉट भेज देना अगर आप लोग आगे पीछे कोई समझ आई। आयशा मेरे लिए कोई समझ आ रही है यहाँ पे? मेरे से अच्छी है या मेरे से बेकार है? अच्छी भी है और बेकार भी है, तभी तो बोल रही हूं। मतलब अभी थोड़ी मेहनत और कर, मतलब मुझे अपने ऊपर मेहनत नहीं करना है, मुझे इसमें मेहनत कर रहा है, ये क्या होता है समझ रही ना? ये पैसे पैसे, वो शाहिद अनवर कहता है ना गरीब हो, सही कहता है वो, शक्ल पे नहीं जाओ, सीरत पे नहीं जाओ, इसमें जाओ, ये कायदे आज़म में नहीं जाओ, डॉलरों में जाओ, डॉलर कायदे आज़म यहाँ पे हल्का है थोड़ा रेट में ना, डॉलर डॉलर में खेलो। खाना खुल चुका है, सारे खाने की तरफ भाग चुके हैं, अभी आयशा पिक्चरें खिंचवा रही हैं, तो हम भी चलते हैं अभी पेट पूजा करते हैं थोड़ा। भाई ये बहुत दिन से हम डाइट पे थे, आज चीट डे, थोड़ा मतलब मुफ्ता मारेंगे, भाई खाना का भी फरमाएँगे आपको भाई क्या क्या खाने में चले, चीट डे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, खाने का टाइम हो गया, जैसे कि हम खाना खा के जा रहे हैं, आज देखते हैं कि मेन्यू आइटम में क्या है हमारे। हाँ ये देखेंगे, और मजे की बात ये है, ये मेन्यू फ्री है बिल्कुल, फ्री कॉस्ट, फ्री फ्री। अब देखेंगे भाई क्या है खाने पे, ऐसा वो कितना भूकंप वाला रश लगा हुआ है जैसे किसी ने कभी खाना ही नहीं देखा है, ये देखिए, अल्लाह अल्लाह माफ़ करे, अभी देखते हैं ऐसा क्या है इधर, तो ये चाहिए। हो रहा यार, हाय 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 हाय, देवा रे देवा, क्या देवा। और मेरे लिए भी वन मोर आपने ले लिया ना भाई। ताहा भाई क्या मतलब, क्या यही खाओगे आज तुम, वो डाइट पे हो? अम्मी भी है ना। अच्छा मैं क्या बोलूँ, बस सही है, बस चलेगा, कैन से मिलूँ तुम्हारे। हाँ मैंने मुंह बंद कर लिया, अभी मुंह खोल के खा रहे थे, असल में फीलिंग ही मुंह खोल के खाने पे है ना, क्या आपको पता है यार, चीट डे आज। बाकी मैं मिक्स इसलिए लाया हूँ आप लोगों को बता पाऊँ आसानी से। ये क्या है भाई, था भाई ये क्या है, है ब्रेड गोल, ये पता नहीं शायद डबल रोटी से बना हुआ है, और ये बिरयानी है रोल, ये रोल की शक्ल में है, चलो मान लेते हैं ये स्प्राइट है, सही है, और जो असली इसमें काम करने वाला था चटनी रायता वो है नहीं यार, वो ख़त्म हो गया पहले है, लेकिन हमारे साथ आयशा बैठी हुई थी, ताहा बैठे हुए थे, इनाम भाई बैठे हुए थे, और वो मौलाना साहब बैठे हुए थे, देखें क्या क्या खाया इन्होंने। मैं थोड़ा सा खाना खाया बस, इन्होंने एक हफ्ते का माल खा लिया समझो इन्होंने ना, कह रहे मज़ा आ गया बस। जैसा कि हॉल खाली हो चुका है भाई, आवाम पब्लिक जा चुकी है, खाना फोड़ा आवाम ने और निकल गए अपने सफ़र में, और अभी ग्रुपिंग हो रही है, ठीक है ना, दिखाते हो मैं आपको ग्रुपिंग सामने हो रही है, सही रश बहुत, इसलिए मैं आगे जा रहा नहीं, काम चल रहा है।
थे वाइंड अप, और बहुत काम किया यार मैंने, पर मैं थक गया हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा यहीं कंप्लीट होता है। मैं शायद बहुत कम आऊँगा क्योंकि मैं बोलने का मौका नहीं मिला मुझे, आप लोग ज़्यादा बोल रहे थे 31 पिल्ले वगैरह हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, दिखा दो भाई, भाई दोबारा कर देना एक बार। हेलो, ओके, अल्लाह हाफिज़।